नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक होम्योपैथिक मेडिसिन पल्सेटिला के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एमिनोरिया, यानी कि अगर आप लोगों को मेंसेस या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तब इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, पल्सेटिला जो है वो ऐसी महिलाओं को दी जाती है या ऐसी छोटी बच्चियों को दी जाती है जिनके अभी उम्र तो हो चुकी है मेंसेस आने की, पीरियड्स आने की, पर उन लोगों को पीरियड्स आ नहीं रहे, बिल्कुल बंद है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है पल्सेटिला देते हैं और उससे जो है मेंसेस जो है ठीक से आना शुरू हो जाते हैं। या कई बार अगर आप लोगों को पीरियड्स पहले से आ रहे हैं या आते हैं पर वो बीच में रुक जाएं किसी कारण से, ऐसी स्थिति में भी हम पल्सेटिला का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मेंसेस दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। मेंसेस ना आने पे और बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं, पर आप लोगों को वो वाली होम्योपैथिक मेडिसिन चूज़ करनी है जिसके मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं वो आपके साथ मैच हो रहे हों। तो पल्सेटिला एक मेनार्की स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है, पर आप लोगों को देखना है कि उसके सारे सिम्टम्स आपसे मैच हो रहे हैं या नहीं। आइए जान लेते हैं कि पल्सेटिला जो है वो किन लोगों में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। दोस्तों, अगर हम पल्सेटिला के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि जो पल्सेटिला की फीमेल कैसी दिखती होगी कि उसको पल्सेटिला दी जाए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पल्सेटिला उन औरतों में, उन फीमेल्स में दी जाती है जो कि बहुत ही फेयर कलर की हों, यानी कि जिनका रंग बहुत गोरा है उन पे पल्सेटिला अच्छे से काम करती है, और जिनकी आंखें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हों और उनके आईलैशेस भी बहुत बड़े और सुंदर हों। साथ ही वो महिलाएं जिन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद ना हो, अकेले रहने से ज़्यादा डर लगता हो और उन्हें खुली हवा में जो है सांस लेना बहुत अच्छा लगता हो, या महिलाओं को कोई भी छोटी मोटी दिक्कत या परेशानी होने पर, चाहे वो कोई चोट लगी है या कोई बीमारी है या उन्हें दिमाग जो है उनका शांत नहीं हो पा रहा, तब अगर उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती हो और साथ ही उन्हें नेचर पसंद हो, बाहर खुली हवा में घूमना आराम देता हो, तब जो है हम ऐसी महिलाओं पे पल्सेटिला का यूज़ करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे पीरियड्स की समस्या में पल्सेटिला का यूज़ किया जाता है। एक तो हम सबसे पहले बात कर ही चुके हैं कि जितनी भी यंग जनरेशन की महिलाएं हैं जो अभी प्यूबर्टी में आ चुकी हैं पर उनकी एज निकलती जा रही है पीरियड्स आने वाली, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर महिलाओं में कभी भी पीरियड्स रुक जाएं, बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, आते आते पीरियड्स रुक जाएं और दोबारा नहीं आए, तब भी हम पल्सेटिला का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप लोगों के पीरियड्स जो हैं वो सप्रेस होने शुरू हो जाएं, यानी कि वो किसी कारण से कम होने शुरू हो जाएं या बीच में एक दो महीना गैप के बाद आए सप्रेस हो जाएं, या मान लीजिए आपका ड्यूरेशन जो है वो 3 या 4 दिन का है पर आपके जो पीरियड्स हैं वो अब सिर्फ 1 या 2 दिन आके रुक जाते हैं, बीच में रुक जाना अगर ऐसा हो रहा है तब आप पल्सेटिला का यूज़ कर सकते हैं। अगर पीरियड्स बहुत लेट आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, साथ ही वो बहुत ज़्यादा गाढ़े हैं और क्लॉटेड हैं, तब हम पल्सेटिला का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये तो थी पीरियड्स की बात। अब अगर बात करें कि लुकोरिया में पल्सेटिला दी जाती है या नहीं, तो हाँ, लुकोरिया में भी पल्सेटिला दी जाती है। अगर आपका सफ़ेद पानी जो है वो पीले रंग का आ रहा है और वो शरीर के किसी भी पार्ट पे लगने से जलन करता हो, यानी कि वो एकरड हो और उसके आने पे बर्निंग होती ही हो और साथ ही आप लोगों को खारिश हो, तब जो है हम पल्सेटिला का यूज़ कर सकते हैं। इन सब परेशानियों के साथ अगर महिलाओं में पीठ में दर्द साथ रहता हो, तब भी हम पल्सेटिला दे सकते हैं। महिलाओं में यदि PMS के दौरान डायरिया हो रहा हो, यानी दस्त लग रहे हो, और मेंसेस के दौरान या मेंसेस के बाद भी दस्त हो, तब जो है पल्सेटिला दे के इन दस्त को रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पीरियड्स ठंडे पानी में पैर भिगोने की वजह से
सप्रेस हो जाए, यानी कि आते आते बीच में रुक जाए, तब भी आप पल्सेटिला का इस्तेमाल करके अपनी इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। अब अगर हम महिला के स्वभाव की बात करें कि पल्सेटिला कैसे स्वभाव वाली महिलाओं में यूज करनी चाहिए, तो महिलाएं बहुत जल्दी रोना शुरू कर दें और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हों और उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद ना हो, हर टाइम किसी ना किसी का साथ जरूरी चाहिए हो, ऐसे स्वभाव की महिलाएं जो होती हैं उन पे पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। और जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो उस टाइम पे उन्हें सिंपैथी चाहिए हो, किसी ना किसी का साथ चाहिए हो जो उन्हें चुप करवा सके, ऐसी महिलाओं की किसी भी परेशानी में हम पल्सेटिला देकर उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा डर लगता हो, अकेलेपन से डर लगता हो, या भूत प्रेत का डर हो, या फिर उन्हें डार्कनेस यानी कि अंधेरे से भी डर लगता हो, तब जो है हम पल्सेटिला का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पल्सेटिला की फीमेल्स की अधिकतर जो परेशानियां हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब आती है इसकी डोसेज की बात। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की जो डोसेज है वो आपकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे तो इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर अगर गलत डोसेज ले ली जाए तब जो है हमें साइड इफेक्ट या जिसे हम एग्रावेशन बोलते हैं वो हो सकता है। एग्रावेशन क्या होता है? जब आपकी दिक्कत में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है कोई दवाई लेने की वजह से, या वैसे भी कोई चीज़ कई बार ट्रिगर कर जाए, तब जो है हम उसे एग्रावेशन बोलते हैं। तो गलत डोसेज सिलेक्ट करने पर या गलत मेडिसिन ले लेने पर कई बार आप लोगों को एग्रावेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी है, अपने आप से सेवन नहीं करना। और अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।